सब्सक्राइब करिए मेरे मोहम्मद सईद आलम यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए क्योंकि मेरी नई वीडियो आप देख सके सबसे पहले। हे मेरे अल्लाह, और कितनी आप परीक्षा लेंगे मुझे इस घर में ना, मेरे साथ क्यों भेदभाव होता है? 3 साल हो गए मेरे गवर्नमेंट से बिल लाइसेंस लेके। इस 3 साल से ही मैं आपको याद कर रहा हूँ, हर दिन हर रोज आपको याद करता रहता हूँ। एक बड़ा सा पुल का कॉन्ट्रैक्ट दिला दीजिए, नहीं तो कम से कम एक छोटा सा बस स्टैंड, नहीं तो कम से कम एक बड़ा सा शॉपिंग मॉल, कुछ तो कॉन्ट्रैक्ट दिला दीजिए। मैं बहुत ही गरीब हूँ, 3 साल से मांग रहा हूँ और आपने दिया क्या है? बस ये रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट और ये गटर बनाने का भी कॉन्ट्रैक्ट। कैसे जीऊँगा मैं, आप खुद ही बताइए कैसे जीऊँगा मैं? अरे म्यूनसिपालिटी वाले जब टाइम पे बिल पास नहीं करेंगे तो मेरे मजदूरों को मैं पैसा कैसे दूंगा? और हाँ, मेरे मजदूरों को थोड़ा बोलिए थोड़ा कम खाइए, ये मोटे मोटे पेट हो गए उनका, और ऐसे राक्षस जैसा खाने से कैसा होगा, उनको थोड़ा बोलिए कम खाएंगे। Oh no! अबे रुक। हाँ बोलिए बाबूजी। चश्मा उतार क्यों दिया? चश्मा बहन, अपने बाप को तो देखने दे, चश्मे में कैसा लग रहा है तू? अबे पहन। ये क्या है, ये छाता, ये बैग, ये चश्मा? सड़क पर एक बंदर लेकर बैठ जाओ ना, उससे दुगना कमाओ। कम से कम सड़क पे जाके भीख मांग ले। Oh no! उस दिन मुझसे पैसे लेके गया, बोला 1 घंटा में वापस कर देगा, ना पैसा दिखाई दिया ना तू। उस दिन का जो म्यूनसिपालिटी का चेक वो मुझे अब तक नहीं मिला, पर आप टेंशन मत लीजिए, ये साजिद एक दिन बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर होके दिखाएगा, आपका नाम रोशन भी करेगा। ये जो कॉन्ट्रैक्टर बनने का काम ना, उसकी अच्छी चालाकियां मैंने सीख ली है। पिछले शनिवार से ना मेरे राशि भी बदल चुकी है, देखना, आलम और आलम का क्रेन, आलम और आलम का रोड रोलर, आलम और आलम का रोड का फैक्ट्री सब हम लोग का बनने वाला है। इतनी सब चीज लेके आऊंगा कि हम लोग के घर के बाहर रखने के लिए जगह तक भी नहीं होगा, देख लेना। तू मुझ पर एक एहसान करेगा? हाँ बोलिए बाबूजी, आप जो बोलेंगे मैं वो करूँगा। तू ये आलम और आलम से मेरी वाला आलम हटा दे, लोग जितने गाली तुझे दे रहे हैं उसे भागीदारी मैं होना नहीं चाहता। ओह नो। देखिए बाबूजी, एक दिन आपको मुझ पे बहुत बड़ा गर्व होगा। तू हट। अबे लुंगी तो छोड़ दे। अब क्या है, अब क्यों रुका? ये बाबूजी, मुझे नाश्ते के लिए 20 रुपया चाहिए, आप 20 रुपया दे दीजिए, मैं आपको आधे घंटे में वापस कर दूंगा। अबे तू क्यों रो रहा है? पेपर में तेरी ना मर गई है? कुछ नहीं भाव, कल रात से खाते मर गए। तो हम क्यों करें? जा काम कर, काम कर जा। काम चल रहा है, काम चल रहा है। बाप की बारात जाने वाली है इस रोड पे, बोला था ना साइड में करके डाल, रोड़ी और मजूरी बीच में मत डाल बोला था ना। अरे जब साहब लोग निरीक्षण के लिए आएंगे तब बीच में रोड़ी मजूरी नहीं पाएंगे, तो तुम्हारा ही बिल पास नहीं होगा। वो लोग हमेशा साइड में चेक करते हैं ना कि बीच में, तू खाली बीच में टार्क कोट डाल। रोड़ी और मजूरी जब बीच में नहीं गिरेगी तो गाड़ियां आगे सीधा पाताल में घुस जाएंगी। तू बस तेरे काम कर, काम कर। जब ये रोड ना 1 साल तक टिक गया तो अगले साल हम लोग के पास कुछ काम ही नहीं बचेगा। हमारे देश में इतने कॉन्ट्रैक्टर है ना, सब आराम से जी लेते हैं, एक ही रोड को बार बार बना के बार बार। भाव अब देश का क्या होगा, देश देश का क्या होगा? पहले मैं एक खुद तो ठीक से बच जाऊँ, वैसे भी तू देश का चौधरी लगता है क्या? Oh, no! कम गोड़ी कम मजूरी देके तो रास्ते करके रोडों से संभालना, ठीक है? काम चलनी चाहिए, मैं थोड़ा म्यूनसिपालिटी ऑफिस जाके आता हूँ, ठीक है?
तो चल साइकिल निकल, अभी ठीक है, मुझे बल्कि ऑफिस जाएंगे, अभी से मैं जब दबाव नहीं डालूंगा तो हम लोग का बिल पास नहीं होगा, ठीक है, जा साइकिल निकल चल जाएंगे। तुम लोग सब ठीक से काम करना, मैं म्यूनसिपैलिटी ऑफिस जाके आता हूँ, ठीक है। तुम्हें एक बात बोलूं? हाँ बोले ना भाव। इस देश में ना जो लोग सही रास्ते पे चलते हैं उनका कुछ नहीं होने वाला, जो लोग स्मगलिंग, देशद्रोह, राजद्रोह ये सब जो करते हैं लोग उन्हें हाथ पहना देते हैं। मुझे समझ नहीं आता इस बात पर, इस देश में ना सन्यासियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। हम जैसे आदमी दिन में कुछ नहीं कर पाते तो बड़े आदमी क्या खाते रहेंगे? अरे देखो ना साजिद भाव, गुरु भाई आ रहे हैं, भागो। क्या बेटा थक गए? अरे गुरु भाई, गुरु भाई, अरे गुरु भाई, गुरु भाई। अच्छा आप पहचान रहे हो? क्या बात है, मेरा नाम अभी तक तुम्हें याद है? भूले नहीं। क्या एड्रेस है साले की? अभी तक नाम भुला नहीं सर जी। अरे गुरु भाई, अच्छा गुरु भाई बताओ कल आप कहाँ पर रहोगे ताकि तू उस रास्ते नहीं आ सके? अरे मैं आऊंगा ना, उस रास्ते में आऊंगा ना। क्यों, कुछ खास बात है? खास बात है मतलब मुझे आपको देने ना आपके 1,25,003 रुपये। याद मत दिला मुझे वो सब बातें, तुझे शर्म नहीं आती? अच्छे खासे राजघराना का है, तेरे बाप को जस था, उनका नाम बदनाम करने के लिए तूने शायद ठान लिया है। पिछली बार तूने मुझसे पैसे लेते वक्त क्या बोला था, कितने दिन में चुकाएगा? 3 दिन में। अरे गुरु भाई मैं वो 3 महीने बोले थे। 3 दिन बोला था? 3 महीने बोले? 3 दिन बोला था? अरे यार 3, ए क्या बोला था उसने? 3 दिन बोला था? 3 महीने? 3 दिन बोला था? 3 महीने बोला था? 3 दिन बोला? भाई मुझे कुछ याद नहीं, मुझे कुछ याद नहीं, मैं चलता हूँ। कहीं तेरी दिमाग में बिजली गिरी थी क्या? गुरु भाई चलो उधर मैं समझाता हूँ। तुझे बोलने को होते नहीं थे? बोला नहीं 3 महीने? बोला नहीं इसलिए मैंने आपकी बहन की शादी है तो मैं क्या करूँ इसके साथ शादी करा दूँ पैसा वसूल करने के लिए? काम दे रहे थे माल में, तो सब जब वो पैसा लेने आएगा भाई उधर से बोलोगे उधर से कट गया। हाँ सही बोला। ए भूखे नंगे बोलिए। अरे सुन तेरे लिए एक काम है, तू करेगा? हाँ करूंगा ना, मेरे पास ये छोटे मोटे वर्कर्स बहुत हैं। ये साला ठीक मरेगा। क्या बोले आप? शादी का काम है बेटा, करेगा तो। अबे क्या हुआ, काम क्यों बंद हुआ भाई? ट्रेन खराब हो गया। अबे जल्दी ट्रेन है। अरे जल्दी जाओ ट्रेन ठीक करने वाले को बुलाओ, अभी काम शुरू करेंगे, जल्दी जाओ तुम लोग। अरे भाई मैंने कल तेरे गाँव गया क्या? वहाँ मैंने सबको पूछा की यहाँ कोई रहता है, सब ने मुझे मना ही कर दिया। खाली अंशुमन बोलेगा तो कोई नहीं मिलेगा, यहाँ पे बहुत है आवर अंशुमन बोलने का। आवर अंशुमन? हाँ आवर अंशुमन, इसके पीछे एक कहानी है, सुनो सुनो। नहीं 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 सुनो। अरे सुनो तो क्या हुआ, सुनो क्या हुआ, जल्दी बोल। घाट का नाम सुने हो? घाट का कौन सा घाट भाई, कौन सा घाट बोले तो ऐसा घाट। एक दिन मैं रोड लोलर लेके उधर से जा रहा था, फिर उधर से एक तो ढलान था, अचानक से ब्रेक फेल। ओह नो, गाड़ी थोड़ा इधर चली, गाड़ी थोड़ा उधर चली, उधर चली, उधर चली, दोनों तरफ से घाई। तो नीचे देखेगा तो तेरे को लगेगा कि एरोप्लेन में बैठा है। उस रोड पे जाने वाले हर एक आदमी पैराशूट पहन के जाता है भाई। क्यों? आज जो गिरता है वो 3 दिन बाद पहुंचता है, और जो नहीं पहनता है वो डायरेक्ट पहुंचता है। अचानक गाड़ी का ब्रेक फेल, इंजन कभी इधर गया कभी उधर गया, कभी उधर गया कभी उधर गया, कभी उधर गया कभी उधर गया। मैंने नहीं छोड़ा। उसके बाद मेरे दिमाग की शटर खुली और मैंने स्टेयरिंग में उंगली डाल के ऐसा घुमाया। बिल्कुल ढूस। तब तो तू गाड़ी से उड़ गया होगा। उड़ा तेरा बाप। अरे पब्लिक चिल्ला रही थी समझा। उसके बाद मैंने गाड़ी से यूं पूरा हल्के से निकल के साइड में ऐसे खड़ा हो गया। उसके बाद ABCD PWD मंत्री आके मेरे को अवार्ड दिया। उसके बाद वो आके मेरे पीठ में थपथपाया और बोला तू अंशुमान नहीं तू हनुमान है। वो तो तेरा शक्ल देख के ही बोला होगा। मस्करी कर रहा है, मजाक सूझ रहा है, तेरे को भरोसा नहीं है, जा दूसरा आदमी लेके आ। बोला था दिखाएगा हाथी, निकला चींटी। ये क्या बोल रहे? लगता है मामा जी का उम्र हो गया है, ठीक करना पड़ेगा।
क्या मानो जी ड्यूटी जी, ये कैसे आदमी उठा के लेके चले आए? अरे भाई साहब कब ठीक होगा? इसमें प्रॉब्लम तो अभी समझ में आया, अब भी ठीक करके देता हूँ। अभी समझ में आया। गड़गड़ घाट का नाम सुना है ना? हम तुम्हें बाद में समझा देंगे। अरे ठीक कर जा, हमको दुकान बाद में सुना देना इसको। अरे जल्दी ठीक कर यार भाई, तू जल्दी बता दे, मैं सुना दूंगा तुझे। इसका काम करने को टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। चल हम लोग गुरु भाई के घर में काम करके आ जाएंगे। वहाँ तो काम पड़ा था, वहाँ तो काम बाकी नहीं पड़ा था। ठीक है, वो उसका क्लियर ठीक करता रहे। चल हम लोग गुरु भाई के काम ठीक है, चलो काम करता रहेगा, हम लोग गुरु भाई के घर से। हाँ भाई तू जा जा। बापू तुम तो मुझे बहुत कम उम्र में छोड़ के चले गए, लेकिन मैंने ही अपने बहन को पाल पोस के इतना बड़ा किया। अगर आप आज देख के जिंदा होते तो खुशी से मर जाते, तो इसीलिए आप अभी माँ के साथ खुश रहिए, मैं अपनी बहन की शादी करवाता हूँ। सुन लड़के वाले आने वाले हैं, तो आएंगे तो मुझे बोल देना, मैं अंदर हूँ। ठीक है, ये तो लड़के वाला आ गए। अरे तू तो बोला था ये लड़के वाला आने वाले, ये तो भिखारी आ गए। सर जी नमस्ते, बच्चे लेके चले आया। काम कहाँ से शुरू करना है? अंदर करना है। ठीक है जाओ वहाँ पर। ठीक है। अरे सुन। हाँ बोलिए। आज तेरा काम है, ठीक है, अंदर तेरा काम के वजह से पेंट पॉलिश कुछ भी नीचे नहीं गिरना चाहिए, गंदा ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, समझा? अरे हाँ सुन, तेरे इस काम को कितने दिन और लगेंगे? कम से कम 5 दिन। अबे तू चल जा काम कर, काम कर। देख अंदर दुनिया भर के कीमती सामान है, उस सामान को जैसे कुछ नहीं होना चाहिए। आप ये फिकर मत करिए सेठ जी, मेरे पास दुनिया के सबसे बेहतरीन मजदूर है जो कि सही से काम करते हैं। चुप रहो। अभी ये तूने क्या किया? सॉरी साजिद भाई, ये मेरा हाथ से फिसल गया। अभी मैं तेरी फाड़ दूंगा साले, दुकानदार से भीख मांग के ये 3 बोतल ली थी, तूने दोनों फाड़ दिए। रामी जल्दी साफ कर इसे, लड़के वाले कभी भी आ सकते हैं। जल्दी साफ कर इसको। ए भूखे नंगे इधर सुनो, इसे उठा के लेके संभल के गाड़ी में लोड कर दो, संभल के लेके जाना, कुछ भी टूटना नहीं चाहिए। अभी ये तोड़ी कैसे? नीचे गिरा था। अभी वो तो मुझे भी पता है। ए राम मैं तुम लोग का क्या करूं? तोड़ दिया, 2.5 लाख का सामान था, दहेज में मिला था बहन का, जानता है कितना महंगा था। हे भगवान अब मैं क्या करूंगा, सब पैसा तुझसे ही वसूलूंगा। ठीक है इस छाते से तुझे मारूंगा। क्यों भाई ये तोड़ा? मैंने नहीं तोड़ा भाऊ, ये नहीं तोड़ा। जल्दी साफ कर, देखना हमें कोई आए कि नहीं है। जल्दी साफ कर, अबे जल्दी कर, जल्दी कर, अबे जल्दी कर ना, जल्दी कर, अबे जल्दी कर, जल्दी। Oh no! मेरी बहन की शादी तू तुड़वा के रहेगा? जा इसको जल्दी बाहर फेंक के आ। भाव कुछ पैसे चाहिए? पकड़ में 20-30 लाख रुपए निकाल के दूं क्या? इसको तो अस्पताल लेना पड़ेगा। अबे जा बे, इसको रास्ता में फेंक के आ, म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी उठा के ले जाएगी। बापू जी मुझे आशीर्वाद दीजिए। अबे मेरे बापू।